हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी फ्लाइंग। आज हम आए हैं न्यू लक्ष्मण पार्क में, जो कि है गोमती का रिवर साइड। और यहाँ पे जैसा हमने आपको कल दिखाया था कि इवनिंग और मॉर्निंग वॉकर्स की भीड़ रहती है, तो आज हमने ये दूसरी जगह सर्च की, सोचा चल के देखते हैं कि जो कही जाती है कि गोमती इज़ द लाइफ लाइन ऑफ लखनऊ, तो चल के देखते हैं कि ये लाइफ लाइन की लाइफ कैसी है। तो आई एम वेरी सैड टू सी कि इस लाइफ लाइन की हालत तो ऑक्सीजन पे है। आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि गोमती इज़ ऑन वेंटिलेटर। जैसा कि मेरा यहाँ खड़ा होना भी दुभर हो रहा है, इतना ज़्यादा इसमें से स्मेल आ रही है, इतनी गंदगी है इसमें गोमती में। जाने कितने कैंपेन चले इसमें से जलकुंभी हटाने के लिए, दैट इज़ द काइंड ऑफ वाटर लिली, हायसनेथ आई थिंक उसको बोलते हैं, जो कि जलकुंभी होती है। तो मुझे जलकुंभी तो इतनी नहीं दिख रही है, एक दो बहती दिख रही है, वो हट गई है। लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ का ठेका सरकार नहीं लेगी। कुछ बीइंग अ गुड सिविलाइज्ड पीपल, हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। अपनी जिसको हम लाइफलाइन कह रहे हैं, हम उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम, हर चीज़ का जो कहते हैं ठिकरा, वो हम सरकार पे नहीं फोड़ सकते कि हर चीज़ में सरकार आएगी और गोमती साफ़ करेगी। सरकार ने कई बार करवाया है, मैं इसमें सरकार को ब्लेम नहीं करूँगी कि ये सरकार साफ़ नहीं करवा रही है। लेकिन आप ये तो देखिए कि आप बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, व्हाट यू पीपल आर डूइंग। तो इसमें ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ, तो ये जो हम ही लोग आए हैं यहाँ टहलने घूमने, या आई डोंट नो कि ये किसने यहाँ पे डम किया है ये कूड़ा, लेकिन आप देख सकते होंगे कि इसमें यही सारी चीज़ें तैर रही हैं जो ह्यूमन यूज़ की हैं। मसाले का पेपर है, और ये गेंद है, ये आप सब ज़्यादातर रैपर है जो प्लास्टिक है, जो पोल्यूटेंट्स हैं ज़्यादातर, यहाँ से वहाँ तक के सब आप देखिए। जो अगर आप कैमरा जूम करने को कहूँगी मैं, कि आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो पोल्यूटेंट हैं वो ह्यूमन मेड है, प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऐसे जब इस तरह के पोल्यूटेंट हमारे इसमें जाएंगे, तो इसमें एक होता है कहते हैं कि डीओ, डिसॉल्विंग ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, वो कम होता रहता है अगर आप इसमें नॉन डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल चीज़ें डालेंगे। तो ये जो डीओ है ये कम होता रहेगा, यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो कि आपकी ये जो इसके अंदर की लाइफ है, जो जिसको कहते हैं कि जो इसके अंदर रहने वाली चीज़ें हैं, मछली है जो भी है, वो उनके लाइफ के लिए वो अच्छी नहीं है, उनका ऑक्सीजन कम लेवल कम होता जाएगा। इसीलिए हम इसमें से वो काइंड ऑफ वाटर लिली, जिसको हायसनेथ भी बोलते हैं, उसको हटाते हैं, ताकि ये एक ह्यूमन यूज़ तो बहुत दूर की बात है, कम से कम जो इसके अंदर जो जीव जंतु जो वो रह रहे हैं, इकोसिस्टम के बैलेंस करने के लिए रह रहे हैं, उनके लिए तो वो ये जीने के काबिल ये पानी हो, और पानी पीने के लिए तो बहुत दूर की बात है कि आप समझ सकते हैं कि इसको कोई पी भी सकता है, या तो खड़ा होना भी परेशानी का सबब बन रहा है, तो पीना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में सभी लोग इस तरह के होंगे, लेकिन प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें कि हम जिसको लाइफ लाइन कह रहे हैं, हम उसी को वेंटिलेटर पर छोड़ रहे हैं। तो प्लीज़ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, कम से कम आप अपने फैमिली से ये कह सकते हैं कि जब आप कहीं घूमने जाएँ, या जब आप कहीं भी जाएँ, तो आप जो इस तरह के चीज़ें हैं उसको डम करें, उसकी जो बनाई हुई जगह है उसके डस्टबिन में डम करें। इस तरह की जगहों को प्लीज़ गंदा मत करें, ये हमारे ही लिए बनाई गई हैं, हम ही इसे गंदा कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसे गंदा मत करें कि यहाँ पे आना हमारे लिए ही दूभर हो जाए। तो आप इधर देख रहे हो कि इतना ख़राब होने के बावजूद भी इतने लोग यहाँ पर खेलने आए हैं, बॉयज़ खेल रहे हैं क्रिकेट, छोटे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, कितने खुश हैं। लेकिन इसका जो गंदगी का असर है वो इनको कहीं ना कहीं पड़ रहा होगा, इस पोल्यूशन का असर इनको कहीं ना कहीं पड़ रहा होगा, लेकिन अभी इनको पता नहीं चल रहा है इस चीज़ का। तो मैं ये कहूँगी, जब आप अपने बच्चों के साथ यहाँ टहलने आए, तभी उन्हें बताएं कि बेटा इस तरह की ये गोमती है, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमें यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए। खाली घूमना टहलना नहीं है,
हमें बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी क्या ड्यूटी है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इस टॉपिक को फिर हम एंड करते हैं क्योंकि आए हैं घूमने, तो इतना डीप टॉपिक मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन ये स्मेल दे के और कंडीशन दे के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने ये सब आपसे शेयर कर लिया। तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से आप सामने देख रहे होंगे, ये रिवर क्रॉस करके है मेट्रो सिटी, यहाँ का एक अच्छी लोकेलिटी कही जाती है, काफ़ी अच्छे फ्लैट्स वगैरह हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से क्रॉस होके उस साइड पे मेट्रो सिटी दिख रहा है, यहाँ पे ये पुल दिख रहा है जिसमें राइट साइड आप जाएंगे तो निशातगंज आ जाएगा और लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपका हज़रतगंज आ जाएगा। एक ये भी पुल आप देख रहे हैं, ये आपका 1090 की तरफ जाता है, या आप कुफन जाना है किधर अगर कैसरबाग से जा रहे हैं तो ये पुल आप यूज़ करते हैं। ये उसी के जस्ट नीचे है, इससे थोड़ा उधर लक्ष्मण ग्राउंड है और इसी से एडजेसेंट जो है वो न्यू लक्ष्मण ग्राउंड है, और यहाँ पे भी लोग काफ़ी तादाद में आते हैं। जो ये पुल के नीचे जो स्पेशली जो लोकेलिटी रहती है वो यहाँ पर आती होगी। और चलिए हम भी इन बच्चों की तरह इन्जॉय करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। और जाने से पहले एक बात तो कहना भूल ही गई है कि बारातियों का स्वागत पान पराग से करिएगा। नहीं नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।